सर इस वक्त आप क्या मुझे थोड़ी बहुत तस्वीर साफ कर सकते हैं कि जो अपडेट आपके पास आई है, जो डेड बॉडीज मिल रही है या जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उनके बारे में क्या है एग्जैक्ट संख्या? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, 3 लाइव रेस्क्यू किए गए हैं अभी तक और 10 डेड बॉडीज निकाले गए हैं घटनास्थल से। इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, 2-3 सोर्सेस से ये जानकारी मिली है और अभी पूरी जो ये घटना है और जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेटेड है अभी। ठीक है, इस वक्त बात कर रहे हैं मोहसिन शाहिदी जी, और जो जानकारी मिल रही है प्राथमिक तौर पर ये है कि राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, चॉपर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एयरलिफ्ट किया जाएगा श्रद्धालुओं को। और सर गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है इस हादसे का और उन्होंने भी अश्योर किया है कि राहत और बचाव के कार्य लगातार चल रहे हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी अभी क्या है? देखिए, सबसे पहले देखना है कि अगर कोई लाइव रेस्क्यू है, कोई आदमी अगर फंसा हुआ है, जिंदा है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है वक्त रहते ही। गोल्डन आवर इम्पोर्टेंट होता है रेस्क्यू में, वो कार्रवाई जारी है अभी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से लोकेशन हैं जहां पर ऐसी कोई स्थिति है। और दूसरा स्थिति यह है कि जो बाकी लोग हैं वो भी इंश्योर करना हमारा काम है कि सेफ रहें वो, और ताकि अगर कुछ ऐसी घटना दोबारा होती है तो उसके चपेट में ना आए। मोहसिन शाहिदी जी, रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर है, वो भी इंश्योर कर रही है कि जिसको भी अगर कोई ऑक्सीजन की कमी है या कुछ हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए वो वहाँ पर तैनात हैं और कार्रवाई चल रही है। सर यात्रा के अलग अलग स्टेज पे है कई श्रद्धालु, कुछ लोग पवित्र गुफा तक भी पहुँच गए थे, उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ये तो जो यात्रा अफसर होते हैं वहाँ पर वो निर्धारित करते हैं सिचुएशन को देखते हुए, और अमूमन ये होता है कि जो ट्रांजिट कैंप रास्ते में होते हैं उन कैंप्स में लोगों को रोक दिया जाता है, जो नजदीक यहाँ पर होता है उस रास्ते पर वापस उनको मोड़ दिया जाता है और कैंप में ही उनको सुरक्षित रखा जाता है। सर ये जो कैंप जो प्रभावित हुआ है ये पवित्र गुफा से कितना दूर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप मुझे बता पाएंगे? एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास अभी आया नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रेच है, लंबा स्ट्रेच है, और तकरीबन ये समझ लीजिए कि 500-800 मीटर दूर होगा ये, और इसका स्ट्रेच जो है वो काफी लंबा है, तो ये अभी निर्धारित करना संभव नहीं है। सर आपने तस्वीरें देखी होंगी कितने तेज प्रवाह से ये मलबे वाला पानी पहाड़ों से उतरकर कैंप में घुस गया, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी बड़ा हादसा? बारिश हो रही थी काफी देर से और वहाँ पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहुत धीरे धीरे तेज होने लगा। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, ITBP है, बाकी सारी एजेंसीज, हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफ़ी क्लाउड बस्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे। चूंकि इलाका काफ़ी नैरो है तो वहाँ नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे, तो उनको वार्न किया गया, उनको अलर्ट किया गया और विद इन 10-15 मिनट्स काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिससे काफ़ी लोगों को हम बचा सके हैं, वहाँ पे निकाल सके हैं। काफ़ी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, ITBP की 2 कंपनियाँ और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें NDRF है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से, पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है, कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए, डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सर अभी वेदर का वहाँ क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं वेदर की वजह से, और क्या यात्रा को लेकर अभी कुछ हॉल्ट किया गया है? देखिए, यात्रा को इसलिए रोकना पड़ा है थोड़े समय के लिए कि तो अंधेरा भी हो गया है, शाम को ऐसे भी यात्रा रोकनी होती है, लेकिन वो जो इलाका है उसमें पानी बढ़ जाने की वजह से कई जगह पर ऐसा हुआ है कि खतरा जैसा स्थिति है, तो उसको देखते हुए हमने यात्रा को जो एजेंसीज है उन्होंने रोकने की बात स्टॉप किया है टेम्पररीली। कल हो सकता है कि हम लोग फिर से, अगर मौसम ठीक रहा और अगर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके छोटे मोटे जो पेडेस्ट्रियन रूट अगर बन जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो मानक होगा, तो हम उसको निश्चित तौर पर वहां से लोगों को यात्रा शुरू करवा पाएंगे। सर क्या शाम दिल ढलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, काफी निश्चित तौर पर अंधेरा तो वहां हो ही गया है, हमारे लिए मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों ने दिन रहते ही लोगों को ताकीद कर दी थी। फिलहाल टेंटेज वगैरह लगाने के लिए वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग
निकाले गए हैं उस क्षेत्र से, उन लोगों के लिए टेंट वगैरह लगा दिया जाए, उनके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट किया जाए, और जो लाइट का सिस्टम है वहाँ ऑलरेडी इम्प्लेस्ड है, बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट्स की वो सारा अरेंजमेंट वहाँ पर करके आवश्यकता होगी तो रात में भी हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे और उनको उनको रात के रहने का वहाँ पर व्यवस्था वहाँ पर रखी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर क्योंकि सब तरह की तैयारियां कर रखी थी इस तरह की किसी नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए, तो कितनी तत्परता से उनको रिस्पॉन्ड किया गया जब ऐसी घटना हुई? देखिए पानी जो बढ़ा है वो 15 मिनट भी शायद 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा, पहाड़ों में जब नाले बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। अभी देखना होगा कि क्लाउड बस्ट बारिश की वजह से हुआ या फिर कोई हो सकता है कोई ऐसा वाटर बॉडी हो जो पहले से स्टक हो और अचानक से वो टूट गया जिसकी वजह से पानी बढ़ा है। अगर बारिश की वजह से होगा, बारिश कम होगी तो निश्चित तौर पर पानी कम हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर स्थितियां ऐसी होंगी कि लंबा चलाना पड़ सकता है, लोगों को रोकना पड़ सकता है। लेकिन इस जो पूरा क्षेत्र है, इस एरिया को अगर आप देखें तो पहले भी यहां पर आ चुका है और एजेंसीज काफी सतर्क थी, निश्चित तौर पर सतर्क थी, और यही वजह रहा है कि बहुत बड़ा, मैं समझूंगा, बहुत लोगों का हो सकता है अगर हम नहीं ध्यान देते और इस पर अगर हम लोग पहले से फोकस नहीं रहते तो और भी नुकसान हो सकता था जिसे निश्चित तौर पर प्रिवेंट किया जा सका है। सर कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है काफी लोगों की, कुछ लोगों की डेथ होने की है, तो सर इसमें क्या सुरक्षा बल के लोग भी हैं या सिर्फ श्रद्धालु हैं? जहां तक मुझे जानकारी है सुरक्षा बलों के अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है, और ये देखना पड़ेगा बहने के बाद लोगों को निकाला गया कुछ लोगों को, ये क्योंकि वहां पर स्थानीय कर्मचारी भी होते हैं, वहां पर स्वयं सेवक भी होते हैं, यात्री भी होते हैं, बलों के भी जवान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साथ में सपोर्टिव सिस्टम के साथ एलिमेंट के साथ वहां पर चलते हैं, तो जो वहां प्रशासन है निश्चित तौर पर इस पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिनको वहां पर निकाला गया। सर के आसपास के क्षेत्रों से भी कोई आपदा सुरक्षा बल कोई वहां भेजा गया है? नहीं, वहां पर ऑलरेडी काफी कुछ अरेंजमेंट है और इस बार बहुत ही तगड़े इंतजाम वहां पर हैं। निश्चित तौर पर यही कारण है, मैंने जैसा बताया कि बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज उस ढंग से नहीं हुई हैं, अचानक से पानी बढ़ा और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया गया है, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही सिंक्रोनाइज मैनर में वहां पर रिस्पॉन्स किया गया जिसकी वजह से हम कैजुअल्टीज को बिल्कुल ही प्रिवेंट कर पाए। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक कुमार पांडे को आप सुन रहे थे, बोल रहे थे कि किसी भी हालात से निपटने के लिए वहां पर जो टीमें थी, आईटीबीपी की टीम हो, जेकेपी की टीम हो या दूसरी लोकल टीम्स हो, वो पूरे तरीके से अलर्ट पर थी। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जिन दर्शकों ने हमारे इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है, अमरनाथ गुफा के पास से एक अच्छी खबर नहीं है, दुखद खबर है जिसमें बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज की बात की जा रही है, फ्लैश फ्लड्स आए और उसके बाद जो लंगर थे और साथ ही जो टेंट्स थे इनकी संख्या करीब 25 बताई जा रही है, वो उन्हें पानी का जो बहाव था वो बहा कर ले गया गुफा के पास, गुफा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है जहां पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है। इसके अलावा जो इंजर्ड हैं, जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई जेकेपी द्वारा थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, उसमें उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई कि लंगर्स और टेंट्स हैं जिनसे क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड का असर पड़ा है, होली केव से करीब 2 किलोमीटर दूर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और साथ ही स्पेशल फोर्सेस की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, बचाव का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जो इंजर्ड हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है वहां से ताकि बेहतर ट्रीटमेंट उन तक पहुँचाया जा सके, स्थिति जो है वो पूरे तरीके से नियंत्रण में। तो एनडीआरपीएफ, सीआरपीएफ राहत और बचाव के काम में इस समय लगी हुई हैं, तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, जी न्यूज़ हर तस्वीर हर जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और साथ ही मौसम को लेकर जो अलर्ट था उसके बाद जो टीम्स वहां पर थी वो भी पूरे तरीके से अलर्ट थी। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है और उन्होंने दुख जताया है जो जान का नुकसान हुआ है, और साथ ही ये कहा है कि लोगों को बचाना प्राथमिकता है, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन इस वक्त रेस्क्यू में लगे हुए हैं और वो श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करते हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। खालिद हुसैन, सबसे पहले जिन्होंने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन की है, करीब 5:30 बजे का वक्त, क्लाउड बस स्लैश फ्लैश फ्लड्स, ये जेकेपी द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें मेंशन है, अगर कैजुअल्टीज के लिए आज से बात की जाए, क्योंकि 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है, आपके पास श्रद्धालुओं को लेकर क्या नंबर है, कितने श्रद्धालु जो वहां पर अब भी फंसे हैं और कितने श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है? देखिए मैं आपको बता दूं, अब तक अगर हम खालिद
अब तक अगर हम आधिकारिक पुष्टि कहें तो आधिकारिक पुष्टि 5 की आ रही है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अभी हमारी ही चैनल पे जो फोनो चल रहा था, उन्होंने 10 डेड बॉडीज की बात की, लेकिन उन्होंने भी साथ में ये कहा कि वो भी अभी उसमें ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये वाकई 10 डेड बॉडीज है या नहीं, क्योंकि गुफा के आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं जिनसे संपर्क साधा जा सकता है, उनकी सबकी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि 5:30 बजे जब ये पानी आया, करीबन 2 किलोमीटर दूर दाईं तरफ पवित्र गुफा के, तो एकदम से 25 टेंट इसकी चपेट में आए, 2 लंगर इसकी चपेट में आए। पानी का बहाव जो ऊपरी था वो तो बह गया, अब कम हुआ, लेकिन इसके साथ जो मिट्टी आई उसने एक दलदल पैदा किया है। उस दलदल में जो है यात्री वहां पर फंसे हैं, जिनको बचाने के लिए एक ज्वाइंट रेस्क्यू टीम जिसमें ITBP, SDRF, NDRF, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस एकजुट होकर इस कार्य को कर रही है। और कैजुअल्टीज बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसके हिसाब से बहुत कम होंगी। उसका कारण यही है कि पहले से ही सतर्क थी क्विक एक्शन टीम्स, क्योंकि ऐसा मौसम विभाग ने बताया था कि इस इलाके में इस तरह के क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, और मौसम भी खराब था, 2 दिन पहले यात्रा रोकी भी गई थी खराब मौसम के कारण, और आज ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि क्या कहीं पानी जमा था जो गिर के आया है, या फिर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है वाकई में, क्योंकि जोरदार धमाका भी हुआ है जब पानी का बहाव नीचे आया। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काफी यात्री जो है टेंट के भीतर जो बैठे हुए थे, जो दलदल में फंसे हैं, उनको निकाला जा रहा है। 2 को अभी तक जो है जिंदा निकाला गया है और उनको एयरलिफ्ट किया गया है वहां से। ये हमें नंबर को लेकर क्लैरिटी है, बीच में आपने खुद भी जिक्र किया कि बीच में अमरनाथ यात्रा को रोका गया था, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि रिकॉर्ड नंबर में इस बार जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। क्या इस बात को लेकर अभी तक क्लैरिटी मिल पाई है कि कितने श्रद्धालु हैं जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं? जाहिर तौर पर ITBP हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेज गति से चल रहा है, लेकिन जो दर्शक इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और जिनके अपने यहां पहुंचे हैं अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए जाने वाले थे, उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी कि कितने लोग हैं जो इस वक्त फंसे हुए बताए जा रहे हैं अभी भी? देखिए, स्पष्ट रूप से नंबर नहीं बताया जा सकता, हेड काउंट हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से प्रतिदिन प्रति रास्ता बालतल हो या फिर अमरनाथ ये पहलगाम हो, उस तरफ से 10-10 हजार की संख्या में जो है यात्रियों को जाने की अनुमति दे दी, यानी टोटल 20,000 प्रतिदिन जो है पवित्र गुफा में पहुंचते थे, लेकिन उसमें से जो है बालतल के रास्ते जो 10,000 जाते थे वो उसी दिन वापस लौटते थे, यानी उसमें से करीबन 2 या 3 हजार लोग ही वहां पर रहते थे। और अगर पहलगाम की बात करें तो पहलगाम से जो 10,000 प्रस्थान करते हैं नुनवन बेस कैंप से, वो 2 दिन बाद पवित्र गुफा में पहुंचते हैं, और तब तक जो वहां पर श्रद्धालु होते हैं वो वापस की यात्रा करते हैं। तो एक अनुमान के हिसाब से करीबन 4 से 5 हजार यात्री होंगे, लेकिन 25 टेंट जो इसकी चपेट में आए हैं उनमें हम अगर एक आंकड़ा लगा लें कि एक टेंट में 3 से 4 लोग जो है इस टेंट में वहां पर रहते हैं, यानी 25 टेंट के करीब 100 से 150 यात्री जो है जो इसकी चपेट में आए हों, लेकिन उनमें से 100 ये नंबर हो सकता है जिन पर इसका असर पड़ा हो। जाहिर तौर पर अंधेरा हो चुका है, रात हो रही है, तो ऐसे में जो राहत और बचाव का काम है उसमें तमाम तरीके की डिफिकल्टीज भी हैं, और हम आपको ये लगातार बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि आशंका ये जताई जा रही है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जी न्यूज से NDRF के DIG द्वारा ये बताया गया कि अंधेरा होने से राहत के काम में काफी दिक्कत हो रही है, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बड़ी चुनौती और ये चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ ही जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम्स पहुंची हुई हैं उनके लिए इस वक्त ये रहने वाला है। आप देखिए ये जो क्लाउड बर्स्ट है, और बड़ी संख्या में बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, लेकिन अच्छी बात, राहत की बात ये रही है कि ये जो टीम्स, लोकल टीम्स वहां पर थी जो इस यात्रा के इंतजाम से जुड़ी हुई थी, ये पहले से ही अलर्ट पर थी, और इसीलिए हालांकि हम आपको ये भी अपडेट बार बार दे रहे हैं कि 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है। ऑफिशियली अभी ये आंकड़ा डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका यहां पर जताई जा रही है, और अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो एक तरफ
पानी का ये उग्र वेग आपको दिखाई देगा। और इस तस्वीर को अगर आप उस तस्वीर के साइड में अगर आप देखेंगे, जब ये तस्वीर फुल स्क्रीन आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो आप ये भी देख पाएंगे कि कैसे लोग भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो एक तरफ ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, ये स्पष्ट करते हुए इस समय रात हो चुकी है, अंधेरा, जाहिर तौर पर कई तरह की दिक्कत और चुनौतियां रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सामने होंगी। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट था, लोकल टीम्स जो थी वो पूरे तरीके से अलर्ट थी। 25 टेंट्स हैं जो कहा जा रहा है कि इस क्लाउड बर्स्ट और ये जो फ्लैश फ्लड्स बताए जा रहे हैं इनके चपेट में आए हैं। 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और स्पेशल फोर्सेस के मौके पर मौजूद होने की बात की जा रही है। कई खास मेहमान हम लगातार जो वहां पर ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और मेरे सहयोगी भी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। मनीष, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? हम अपने दर्शकों को लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि कई टीमें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, इसके अलावा एनडीआरएफ, तो कई एजेंसीज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वैसे भी इस यात्रा में इन्वॉल्व रहती हैं। आपके सोर्सेज इस क्लाउड बर्स या फ्लैश फ्लड्स को लेकर क्या बता रहे हैं? देखिए अदिति, थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है एलजी से, मनोज सिन्हा से, और ये कहा है कि जो भी इनको जरूरत हो बताएं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अभी इस वक्त अंधेरा हो गया है लेकिन 5:30 बजे ये हादसा हुआ था। जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 2 दिनों पहले से ही यात्रा रोक दी गई थी क्योंकि ये मौसम विभाग का अलर्ट था कि काफी बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में और भी बारिश हो सकती है। लेकिन क्या ये क्लाउड बर्स्ट था या पानी ऊपर जमा था, ये यहाँ पर एक बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पानी जमा था, जैसा कि केदारनाथ के वक्त भी हुआ था, तो अधिकारियों ने क्यों नहीं वाटर को उन्होंने डिटेक्ट किया था, क्यों नहीं हमारी जो स्कैनिंग हो रही थी उसके जरिए ये पता चल पाया। लेकिन चूंकि इस वक्त ऑपरेशन रुक गया है और ये कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ने वाली है, सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री फंसे हुए हैं, चूंकि रात में आप जानते हैं दीदी, उस वक्त टेम्परेचर काफ़ी, इस वक्त अगर बात करें तो 6 या 7 डिग्री इस वक्त केव के आसपास हो जाती है। यात्री जो हैं उनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो इनको दूर दूसरे कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक वेदर भी एक बड़ा चैलेंजिंग है, ठंड भी बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन दूसरी, यहाँ ये भी आप देखें कि इस वक्त हमारे साथ भी अच्छी रही कि हमारी फोर्सेज वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी। एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो करती हैं वो पहले से वहाँ पर लगाई गई थी। तो कई जगह जो लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया, संख्या काफ़ी कम रही क्योंकि जिस लेवल पे यात्रा हो रही है इस वक्त बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। अगर वो नंबर उस तरीके से कतार जो हम देख रहे थे अगर ये बना होता तो बहुत बड़ा ये हादसा होता, संख्या बढ़ सकती। तो इस वक्त चूंकि बात कुछ नहीं हो सकता, रात में चौपर भी नहीं उड़ सकते, वहां से पंचतरणी करीब 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हेलीपैड की सुविधा है, केप के पास भी चौपर लैंड करते हैं, कोई भी लैंडिंग होती है इन हेलीपैड पे। तो इस वजह से अब जो भी इंजर्ड होंगे, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, आस पास वहाँ डॉक्टर और मेडिकल कैंप लगाए गए, वही और कितने लोग मिसिंग है एग्जैक्टली अभी भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये जो कैंप हैं थोड़े थोड़े दूर पर अलग अलग जगह पर हैं। कई जो ऐसे कैंप हैं जहां लोगों को रोका गया है लेकिन वो फिर भी आसपास के कैंपों में घूमने भी चले जाते हैं। तो अब ये एक बड़ा चैलेंज है लेकिन जैसा कि एनडीआरएफ के डीआईजी ने भी कहा कि संख्या बढ़ सकती है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और लोग मिसिंग हैं जिनके एग्जैक्ट नंबर कल सुबह तक हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मनीष, पूरे देश की यही कामना है कि कम से कम हो ये संख्या जो इसमें फैटलिटीज हुई हो। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, आपको बताते हैं, अमित शाह ने लिखा है कि बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड के संबंध में एलजी मनोज सिन्हा के साथ बातचीत की है, स्थिति की जानकारी ली है, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य एजेंसियों के साथ बातचीत की है। और ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि यहां ऊपर से अचानक से पहाड़ से ये पानी गिर रहा है, ये पानी का स्रोत नहीं था, ये रास्ता नहीं था, लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से ये घाटी का इलाका है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे कुछ समतल जमीन है, और वहीं आप देख सकते हैं ऊपर से पहाड़ियों से अचानक से ये बहुत तेजी से पानी आना शुरू होता है। और नीचे यहां इस एरिया में टेंट लगे हुए थे, ये टेंट में लोग रहते हैं क्योंकि ये यात्रा 2 से 3 दिन की होती है, उसमें यहां से लोग टेंट के जरिए फिर गुफा की ओर जाते हैं। तो और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो पानी था वो कितने वेग से गिर रहा था और नीचे जो टेंट थे इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरणी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है, पंचतरणी की टीम शामिल हो रही है।
हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, ITBP, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। फिलहाल आपको सिचुएशन है और कब अकर हुई और क्या जानकारी फिलहाल प्राइमरी बेसिस? 5:30 के आसपास की क्लाउड बस की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बस के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई हैं? आसपास की 3 टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, 1 तो इमीजिएटली अवेलेबल थी, 3 टीम पंचतरणी से पहुँच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे मैंने कहा, JNK पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ITBP है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या सर आपकी और भी मीटिंग्स हो रही है ताकि और भी आप अपनी टीमें लगा सकें? हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ, तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर और रीइन्फोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएं। फिलहाल कैसी सिचुएशन लग रही है? क्या काफी भयावह सिचुएशन है जिसमें और भी लोग अभी इसकी जद में आ सकते हैं, जिस तरह से अभी आपने 10 नंबर ऑफ कैजुअलिटी बताई, फिलहाल कैसा लग रहा है सर? क्या ज्यादा और लोग भी आज एरिया के हिसाब से कर रहे हैं? मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। As per our reports till now, 10 lives might have been lost and we have rescued 3 people alive from that incident. There was a NDRF team deployed at the Holi Cave itself since the beginning of the Yatra, so that team was very close to the incident site and that got involved immediately in the relief work. 2 other teams which were close by, Barari Marg and Panchsarani, also were immediately dispatched to start assisting in the rescue work. And along with us, there is a good strength of ITBP, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंडियन आर्मी विच इज ऑल्सो असिस्टिंग इन द रेस्क्यू वर्क, सो वी होप दैट वी विल बी एबल टू रेस्क्यू। तो अतुल करवाल, DG NDRF, आपने सुन रहे थे, 10 यात्रियों की मौत की आशंका वो भी जता रहे हैं, कह रहे हैं 3 यात्रियों को वहां से सेफली इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि NDRF की टीम केव के पास, अमरनाथ गुफा के पास मौजूद थी, इसलिए तेजी से ये जो इंसिडेंट साइट है जहां पर ये हादसा हुआ है, ये क्लाउड बस्ट हुआ, तेजी से वो टीम वहां पर पहुंची है। इसके अलावा 2 और टीम है NDRF की जिन्हें, जो कि वहां पर पहुंची है और इस समय राहत और बचाव का काम जारी है, अंधेरे की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से आपको पूरे अपडेट्स हम बता देते हैं, 10 यात्रियों की मौत की आशंका जताई जा रही है इस वक्त, 10 श्रद्धालुओं की। इसके अलावा 3 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने की बात, बचाए जाने की बात यहां पर DG NDRF बता रहे थे। साथ ही वो कह रहे हैं NDRF की 3 टीमें मौके पर मौजूद हैं, इनमें से 1 टीम पहले से ही जो अमरनाथ गुफा है उसके पास मौजूद थी, इसलिए तेजी से ये जो इंसिडेंट साइट है वहां पर वो पहुंच गई, और 2 और टीम्स जो थी वो भी पहुंच चुकी हैं। रात और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, हालांकि अंधेरा हो चुका है, इसलिए तरह की चुनौतियां और चैलेंजेस भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन टीम्स के सामने हैं। और सिर्फ NDRF ही नहीं, स्पेशल फोर्सेस इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स इसमें इन्वॉल्व है, CRPF इसमें इन्वॉल्व है, ITBP की टीम इसमें इन्वॉल्व है। और एक तरफ दुखद है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी राहत की बात ये मानी जा सकती है कि ये जितनी भी टीम्स थी ये पहले से ही अलर्ट पर थी, और ये जो कैजुअलिटी है ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता था, लेकिन प्रशासन और जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थे। इसके अलावा लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया है, उन्होंने जानकारी दी कि LG मनोज सिन्हा से उनकी बात हुई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि कई टीमें हैं जो इस समय लोकल लेवल पर बचाव कार्य में लगी हैं, लोगों को बचाना, लोगों की जान बचाना इस समय वो इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में प्रायोरिटी है, और वो सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करते हैं। जो इंफॉर्मेशन कश्मीर जोन पुलिस द्वारा शेयर की गई थी काफी देर पहले, उसमें ये कहा गया था कि टेंट्स हैं और लंगर्स हैं जो इस क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स की चपेट में आए हैं, उन्होंने जो मौत का आंकड़ा दिया था, हालांकि काफी पहले का आंकड़ा है, तब 2 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि उनके द्वारा की गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने NDRF के DG को सुना, उनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा ये आशंका जताई गई। अतुल करवाल
केजरीवाल द्वारा की 10 श्रद्धालुओं की हो सकता है इस क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स में मौत हुई हो और साथ ही लोगों को सेफली इवैक्यूएट भी किया गया है। जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, जख्मी हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन तक जो मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जरूरतें हैं उनकी उन्हें पूरा किया जा सके और सिचुएशन हालात इस वक्त नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन और साथ ही हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से आप देखें। ये तस्वीर जो आप बार बार देख रहे हैं, एक तरफ आप देखिए कि ये पानी का जो फ्लो है, करंट है, वो बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ आपको बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए इन श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से हादसा हुआ है और अभी भी श्रद्धालु ये देख सकते हैं, ये रास्ता है जो कि ऊपर गुफा की ओर जाता है। ऊपर से पानी की तेज धार आ रही है, फ्लैश फ्लड की वजह से, बादल फटने की वजह से पानी का रेला आ रहा है, लेकिन यहां श्रद्धालु इस लाल रेखा में आप देख सकते हैं ऊपर अभी भी चढ़ रहे हैं और नीचे टेंट लगे हुए हैं। नीचे टेंट लगे हुए होते हैं और इसी से सीढ़ियों के चढ़ते पर चढ़ के श्रद्धालु ऊपर गुफा में जाते हैं। ऊपर गुफा अंदर है और यहां बिल्कुल उसके पास में ये पानी का तेज बहाव आ रहा है और इसी वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। नीचे जो टेंट थे वो उस पानी की चपेट में आए और पानी की धारा बहुत तेज थी, बरसाती नदी की तरह का पूरा बहाव था। और देख सकते हैं आप कि ये जो सीढ़ियां हैं ऊपर गुफा का नजारा, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गुफा है, यहीं से प्रवेश करते हैं श्रद्धालु अंदर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए और ये रास्ता है और इस रास्ते से चढ़ रहे हैं श्रद्धालु और अंदाजा लगाइए कि श्रद्धालु ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर से पानी का इतना तेज बहाव, छोटी मोटी बरसाती नदी की तरह ऊपर से बहुत तेज रफ्तार से पानी आया और नीचे जो टेंट में लोग थे, अंदाजा जरूर था कि मौसम खराब है लेकिन इस तरह से बादल फटेगा यह किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। अमरनाथ गुफा हम आपको फिर से दिखा दें, लाल यहां घेरे में ऊपर यह अमरनाथ गुफा है, नीचे ये रास्ता सीढ़ियों का, यहां से नीचे से चढ़कर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं लोग और ठीक वहां बगल से ऊपर से पानी का तेज रेला नीचे आ रहा है और नीचे ये जो टेंट लगे हुए थे ये उसकी चपेट में आए हैं। भीषण हादसा ये हो सकता था। जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये बताते हैं कि हादसा और भी भयानक हो सकता था। पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब चल रहा है और यात्रा को भी रोकना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दहाड़ती हुई ये पानी की धारा नीचे आई बाबा बर्फानी की गुफा के बाहर, ऐसे में नीचे जो लोग फंसे हुए थे, हादसा कहीं बड़ा हो सकता था। अभी तक 10 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है, 25 टेंट इसकी चपेट में आए हैं और हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि हर टेंट में 3 से 4 लोग होते हैं तो और आशंका यह भी जताई जा रही है राहत काम में लगी एजेंसियों की तरफ से कि संख्या बढ़ सकती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बावजूद भी चलाया जा रहा है। कई जो पुलिस फोर्स है जम्मू कश्मीर की, वो है एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सेना की टुकड़ियां भी यहां लगाई गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि जो लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं उन्हें बचाने की कवायद की जा रही है। और ये श्रद्धालु सीढ़ियों से एक तरफ चढ़ रहे हैं और ऊपर अचानक पानी का तेज बहाव फ्लैश फ्लड की वजह से आया और नीचे जो टेंट थे वो इसकी चपेट में आ गए, श्रद्धालु इसमें फंस गए। एजेंसियां तुरंत एक्शन में आई, स्विफ्ट एक्शन लिया गया और लोगों को वहां से पानी की धार से हटाने की कोशिश की गई और नीचे जो नजारा था वो डराने वाला था। छोटी मोटी एक नदी अचानक से लगा कि जिस रास्ते में घाटी का जो एरिया है वहां पर एक छोटी नदी, बरसाती नदी बहने लगी हो अचानक से और कई टेंट जो जिसमें लोग आराम करते हैं, रात गुजारते हैं, वो उसके अंदर फंस गए थे। तो ये नजारा सीढ़ियों से चढ़ते श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं, गुफा की ओर जा रहे हैं, ऊपर यहीं से गुफा के अंदर जाया जाता है और बगल में यहां से फ्लैश फ्लड यानी कि ये पानी का रेला आ रहा है, बर्फ बादल फटने की वजह से अचानक से पानी की ये तेज धार आ गई है और नीचे जो ये टेंट लगे हुए हैं जिसमें श्रद्धालु रहते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद गुफा की ओर चढ़ाई चढ़ते हैं, वो अचानक से इस पानी की चपेट में आ गए। ये पानी का सोता नहीं है, ये रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक से पहाड़ों में, ये घाटी का इलाका है, चारों तरफ ऊपर पहाड़ है और नीचे ये समतल इलाका है, अचानक से बादल फटने की वजह से एक पहाड़ी नदी क्रिएट हो जाती है और ये नदी नीचे आकर के जो टेंट थे उनको अपनी चपेट में ले लेती है और देखा जा सकता है कि श्रद्धालु ऊपर चढ़ रहे हैं अब भी सीढ़ियों से। उन्हें अंदाजा नहीं था, मौसम खराब जरूर था लेकिन इस तरह फ्लैश फ्लड होगी, बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद की तस्वीरें जो एजेंसियां हैं, जो कि सुरक्षा बल है वहां पर तैनात है, फोर्सेस देख रहे हैं आप, लोगों को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं,
अलग अलग एजेंसियां हैं जो कि मिल करके यहां कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। ये अब से कुछ घंटों पहले की तस्वीर है, अब वहां अंधेरा हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले जब जी न्यूज से बातचीत हुई तो बताया गया कि जो एजेंसियां हैं वो रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, हालांकि अंधेरा होने की वजह से उनको दिक्कत आ रही है। ये इलाका देख सकते हैं आपकी बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में लोग हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोग इन टेंट्स में उस वक्त हो सकते हैं जबकि ये फ्लैश फ्लड आया था, और 10 लोगों के मरने की पुष्टि एनडीआरएफ की तरफ से कर दी गई है। लेकिन आशंका है और पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि मरने वालों की संख्या और ना बढ़े। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरी तेजी से चल रहा है। अदिति,